पहले जादूगर था, फिर अपनी मोटरसाइकिल बेची और मुख्यमंत्री बन गया। गरीब घर में पैदा हुआ, फटे कपड़े भी पहने, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक उसका जादू चला और बन गया बादशाह। मोदी बचपन में चाय बेचते थे, इसके बाद प्रधानमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ करीब 20 साल की उम्र में सन्यासी बन गए थे और फिर मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन वो लड़का मुख्यमंत्री बनने से पहले गली मोहल्लों में जादू दिखाकर लोगों को हंसाता था। हर दिन अपने पिता के साथ घर से निकलता, दिन भर जादू दिखाता और शाम को वापस लौटकर कुछ पैसे कमाकर आता। जो पैसा मिलता था उससे घर का खर्च चलता था, लेकिन जादू दिखाते दिखाते उसके अंदर ऐसी कला आ गई कि उससे जो मिलता वही उसका दीवाना हो जाता। उसके रास्ते पर जो आता गया वो अपने आप किनारे होता गया। उस पतले से लड़के ने एक दिन सपना देखा और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया। एक दो बार नहीं बल्कि 3 बार मुख्यमंत्री बना और अभी भी उसी कुर्सी पर बैठा है। अशोक गहलोत जोधपुर में एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। पिता लक्ष्मण सिंह दक्ष अच्छे जादूगर थे, देश में घूम घूम कर जादू दिखाते थे। अशोक गहलोत भी पिता के साथ जाया करते थे। इसके बाद पिता से सीख कर खुद भी जादू दिखाने लगे। 12वीं की पढ़ाई के बाद जोधपुर की जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, उस दौरान लाखों शरणार्थी भारत आ रहे थे। इनकी मदद करने के लिए करीब 20 साल के अशोक भी पहुंच जाया करते थे। एक दिन शिविर में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का दौरा हुआ, 20 साल के अशोक पर नजर पड़ी। इंदिरा गांधी भी काम करने के स्टाइल को देखकर खुश हो गई। लेकिन आगे इस जादूगर की जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। 1972 में बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद अशोक गहलोत के पास रोजगार नहीं था, इसलिए जादू दिखाने के साथ साथ जोधपुर से 50 किलोमीटर दूर पीपाड़ कस्बे में खाद बीज की दुकान भी खोल ली। लेकिन यहाँ धंधा नहीं चला और दुकान बंद हो गई। साल 1973 के आसपास कांग्रेस के अंदर संजय गांधी का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा था। 1975 में जब आपातकाल लगाया गया, इस दौरान संजय गांधी ने युवा कांग्रेस को काम दिया। गांव-गांव जाकर 20 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए कहा। छात्र राजनीति से इसी दौरान अशोक गहलोत ने भी खूब काम किया। एक दिन संजय गांधी को पता चला कि अशोक गहलोत जादूगर भी है। संजय ने एक दिन बुलाकर कहा, अशोक आज हमें कुछ जादू दिखाओ। जादू देखकर संजय गांधी बहुत खुश हुए और फिर गहरी दोस्ती हो गई। संजय गांधी अशोक गहलोत को प्यार से गिली बिली कहते थे। लेकिन गहलोत मुख्यमंत्री कैसे बने, इसकी कहानी चलिए बताते हैं। आपातकाल खत्म होने के बाद जब 1977 में चुनाव हुए तो अशोक गहलोत ने सही मौका देखकर चोट कर दी और जोधपुर की सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ने के लिए अपने दोस्त संजय गांधी से टिकट मांग लिया। अशोक गहलोत के पास पैसे नहीं थे, लेकिन अपनी पुरानी बाइक बेचकर प्रचार किया, लेकिन चुनाव हार गए। 3 साल बाद फिर चुनाव हुए और 1980 में जोधपुर सीट से इस बार जीतकर सांसद बन गए। अशोक गहलोत जब सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे, यहां इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई। इंदिरा को गहलोत बहुत पसंद आए। इसके बाद गहलोत कभी कभी राहुल और प्रियंका गांधी को भी जादू का खेल दिखाया करते थे। अशोक गहलोत कुछ सालों में कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद बन गए थे। केंद्र सरकार में मंत्री बनाए गए, लेकिन अभी राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना बाकी था। राजस्थान में साल 1998 में विधानसभा चुनाव हुए तो 200 में से 153 सीटें कांग्रेस को मिली। लेकिन सवाल था कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। परसराम मदेरडा, नटवर सिंह, हरिदेव जोशी जैसे दावेदार थे। लेकिन ये वो वक्त था जब अशोक गहलोत सोनिया गांधी के बहुत करीबी बन गए थे, इसलिए उन्हें इसका इनाम भी मिला। वो जादूगर जिसने अपनी बाइक बेचकर चुनाव लड़ा था, वो अब मुख्यमंत्री बन गया था राजस्थान का। इसके बाद गहलोत 2008 में और फिर साल 2018 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। अशोक गहलोत अब रियल जादूगर से सियासी जादूगर बन चुके हैं। विरोधी कैसा भी रहा है, लेकिन हमेशा गहलोत का जादू चला है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगली कहानी आप किसकी सुनना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।